नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना टीम के अंदर और टीम से बाहर भी अपनी खुश मिजाजी और अपने शानदार व्यवहार के लिए जाने जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो कई विवादों में फंसे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सुरेश रैना सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही मुखर हैं। लेकिन सुरेश रैना तमिलनाडु प्रीमियर लीग के शुरुआती मैच के दौरान कॉमेंट्री करते हुए कुछ ऐसा कह गए जिसकी वजह से वो विवादों में आ गए हैं। आपको बता दें, रैना ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग के शुरुआती मैच में कमेंट्री करते हुए कहा कि वो एक ब्राह्मण है और इसी वजह से उनको चेन्नई की संस्कृति को अपनाने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। रैना का ये कमेंट फैंस को बिल्कुल रास नहीं आया है और सोशल मीडिया पर उनको जमकर लताड़ लगाई जा रही है। बता दें, रैना इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते हैं। आपको पूरा मामला बताते हैं। तमिलनाडु प्रीमियर लीग के पहले मुकाबले में सुरेश रैना स्पेशल कमेंटेटर के रूप में कमेंट्री टीम में शामिल थे। मैच के दौरान साथी कमेंटेटर ने सुरेश रैना से दक्षिण भारत की संस्कृति से तालमेल बिठाने को लेकर उनसे सवाल पूछ लिया, जिसके जवाब में रैना ने कहा, मुझे लगता है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं चेन्नई में साल 2004 से खेल रहा हूँ। मुझे यहाँ का कल्चर, अपनी टीम के खिलाड़ी से काफी प्यार है। मैंने अनिरुद्ध, श्रीकांत, बद्रीनाथ, बाला भाई के साथ खेला है। हमारे पास सीएसके की टीम का काफी अच्छा प्रशासन है। हमें खुद को एक्सप्लोर करने का लाइसेंस है। मुझे यहाँ का कल्चर काफी पसंद है। मैं सीएसके का हिस्सा होने पर खुद को काफी लकी मानता हूँ। खुद को ब्राह्मण बताने की वजह से रैना आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं और उनके इस कमेंट पर माफी मांगने को भी कहा जा रहा है। आपको बता दें, रैना भी महेंद्र सिंह धोनी की तरह आईपीएल की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही हैं। रैना ने आईपीएल 2020 में अचानक से अपना नाम वापस लेकर हर किसी को हैरान कर दिया था। हालांकि टीम ने उन्हें रिटेन किया और 2021 में वो आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते नजर आए और इस दौरान कई अच्छी पारियां भी खेली। आपको बता दें, रैना ने पिछले साल धोनी के साथ ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। जल्द ही सुरेश रैना सीएसके के साथ आईपीएल 2021 के दूसरे भाग में यूएई में खेलते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।